आती है। प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में ध्वजारोहण नहीं करने से नाराज छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य संघ ने कार्रवाई की मांग करते हुए स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव को ज्ञापन सौंपा। कर्मचारी संघ के महामंत्री ने बताया कि हर साल मेकाहारा में ध्वजारोहण किया जाता था, लेकिन इस बार गणतंत्र दिवस पर ध्वजारोहण नहीं किया गया, जो राष्ट्रद्रोह से कम नहीं है। इसलिए इसकी शिकायत स्वास्थ्य के मंत्री टीएस सिंहदेव और कलेक्टर एसपी से की गई है। अधीक्षक नितिन जैन ने कहा है कि मेडिकल कॉलेज में ध्वजारोहण किया गया, इसलिए अस्पताल में नहीं किया गया है। नियम यह कहता है कि सरकारी संस्थाओं में, कोई भी शासकीय संस्था में, राष्ट्रीय पर्व में झंडा ध्वजारोहण झंडा फहराना अनिवार्य है। ये भारत के जो भारत सरकार की गाइडलाइन और छत्तीसगढ़ सरकार की गाइडलाइन है उसमें लिखा हुआ है, और ये जो कृत्य है इनका एक राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में आता है। जानबूझकर झंडा नहीं फहराना, क्या बात, प्रॉब्लम यही है कि सरकारी डिपार्टमेंट जहाँ कहीं भी रहते हैं, सारे ऑफिस ड्रेस में, सारे कार्यालय में हमेशा ये 15 अगस्त के दिन और 26 जनवरी के दिन झंडारोहण होती है। और तो और जो छोटे छोटे पीएससी है, सीएससी है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, सारे जगह में झंडारोहण होती है, और इस बार सारे जगह में हुआ सिर्फ मेकाहारा को छोड़ के। इसी एक कैंपस में है, तो इस एक कैंपस में एक जगह की व्यवस्था जिसमें डीन मैडम की और सर की सहमति रही है, जिसमें हमने एक जगह पे करके सभी नर्सिंग स्टाफ, सभी कर्मचारी अधिकारी और कैंपस में रहने वाले विभिन्न जो अधिकारी हैं, जो घरों में रहते हैं, सबकी एक जगह हमने ध्वजारोहण की प्रक्रिया ध्वजारोहण किया था, और उसके बाद हमने प्रोग्राम भी किया है। तो एक इंस्टीट्यूशन में एक जगह ध्वजारोहण हुआ है।